हाँ जी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त समीर सर फिर से। आज इकोलॉजी का एक नया चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर 14। चैप्टर 15 और चैप्टर 13 की वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। चैप्टर 15 की आपने वीडियो देख ली होगी और आई होप आपने बहुत पसंद किया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करवा रहे होंगे मेरे वीडियोज़ को और अपने फ्रेंड्स को भेज रहे होंगे फॉर क्विक एंड ईजी रिविजन। तो आज शुरू करते हैं चैप्टर 14, इकोसिस्टम। बहुत इजी चैप्टर है। इकोसिस्टम क्या है बेटा? इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। बायोटिक होते हैं लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक आर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपनी एनवायरमेंट से भी। मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द एबायोटिक कंपोनेंट्स। देयर आर various types of ecosystems. Some are terrestrial, which are natural, like forest, grassland and desert. Some are aquatic ecosystems, like pond, lake, wetland, river and estuary. Some are man-made, like crop fields and aquarium. ये जो बायोस्फेयर है, ये ग्लोबल इकोसिस्टम है। इसमें बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। नाउ कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। तो बेटा हर्बीवोर्स प्लांट्स को खा रहे हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स, कार्निवोर्स को ओमनीवोर्स। तो वट इज दिस? दिस इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एंड दे आर ऑल ऑक्यूपाइंग डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे बेसिक ट्रॉफिक लेवल पे कौन है? प्लांट्स, उसके ऊपर हर्बीवोर्स, उसके ऊपर कार्निवोर्स, उसके ऊपर ओमनीवोर्स। सो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। फॉरेस्ट में ट्रीज ऑक्यूपाई द टॉप स्ट्रेटा, श्रब्स कम at the second level, and herbs and grasses they occupy the bottom layers. So this is the example for stratification. Now if we talk about a pond ecosystem, this is something very very important, aur ye bahut dhyan se samjhiyega. Humne terrestrial ecosystem ki baat to bahut ki hai, ab main ek pond ecosystem, ek aquatic ecosystem ki baat karunga aapse. ये एक pond, एक shallow, simple और self-sustainable water body है। मतलब अपने जो nutrients है ये खुद ही replenish कर सकता है, क्योंकि ये natural ecosystem है that exhibits all the basic components of the ecosystem. तो बेटा जो जो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ा, जैसे मैं बताता हूँ एनसीईआरटी में पैराग्राफ है, सेग्रीगेट करना मतलब सेपरेट करना बहुत मुश्किल है कैसे पढ़े, तो मैं सब बता देता हूँ आपको। विच आर द एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स इन द पॉन्ड? वाटर एंड सॉइल डिपोजिट्स। विच आर द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड देयर? सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर एंड डे लेंथ। वट आर द ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट देयर? फाइटोप्लैंक्टन्स, द स्मॉल प्लांट्स इन द पॉन्ड, सम एल्गी एंड द फ्लोटिंग सबमर्ज्ड एंड मार्जिनल प्लांट्स। ये सब वहाँ के ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो बेटा पूछ सकते हैं आपको पेपर में कि विच आर द ऑटोट्रॉफिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पॉन्ड, या विच आर द ऑर्गेनिजम्स इन अ पॉन्ड दैट मेक देयर ओन फूड। तो आपको ये याद रखना है। विच आर द कंज्यूमर्स और हेटरोट्रॉफ्स? जू प्लैंक्टन्स विच फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स, सम फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स। बॉटम ड्वेलिंग मतलब जो बॉटम पे रहती हैं। एंड लास्ट, सबसे ऊपर का स्ट्रेटा कौन ऑक्यूपाई करता है? डीकम्पोजर्स विच आर फंजाई, बैक्टीरिया एंड सम फ्लैजेलेट्स। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है एक पॉन्ड की। शुरू होगी एबायोटिक कंपोनेंट्स, उसके ऊपर आपके आ जाएंगे ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स, फिर हेटरोट्रॉफ्स, फिर डीकम्पोजर्स। नाउ इफ आई प्रोसीड फर्दर, पॉन्ड परफॉर्म्स ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स? दे कन्वर्ट इनटू ऑर्गेनिक मटीरियल यूजिंग सोलर रेडिएशंस। हेटरोट्रॉफ्स कंज्यूम्स द ऑटोट्रॉफ्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीकम्पोजर्स? दे डिकम्पोज एंड मिनरलाइज द डेड मैटर टू रिलीज दम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, विच आर द फोर बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इको सिस्टम। तो सबसे पहले बेसिक कॉम्पोनेंट आता है प्रोडक्टिविटी, फिर उसकी डिकम्पोजिशन, फिर एनर्जी फ्लो और फिर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करूंगा प्रोडक्टिविटी की। वट इज प्रोडक्टिविटी? सोलर एनर्जी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर सोलर एनर्जी नहीं होगी तो प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे, तो पूरा इको सिस्टम ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वट इज प्राइमरी प्रोडक्शन? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। तो बेटा प्लांट्स ने एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस किया है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। वट आर इट्स यूनिट्स? इट्स यूनिट्स आर वेट में ग्राम पर स्क्वायर, और एनर्जी में देखेंगे तो दैट इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर। Now, what is productivity? The rate of biomass production is called productivity. And what are its units? Gram per square per year or
दैट इज किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो ये बेटा यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो टॉपिक है इसका क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आएगा ही आएगा, प्रोडक्टिविटी में से क्वेश्चन आता ही आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जो प्रोडक्टिविटी है, देखो प्राइमरी प्रोडक्शन आपको पता लग गई, जितना ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस किया, और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी होगी। दो तरह की प्रोडक्टिविटी होती है बच्चों, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एंड जितना अवेलेबल मास कंज्यूमर्स के लिए, कंजप्शन के लिए अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एंड वट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉसेस। और अगर आपने नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकालनी है तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब सपोज कीजिए आपके फादर की सैलरी है 50,000, पीएफ और सब कुछ कट के उनके अकाउंट में आता है 45,000। तो 50,000 उनकी ग्रॉस सैलरी है और 45,000 उनकी नेट सैलरी है जो अकाउंट में आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, जितना प्लांट्स ने ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर दिया, और रेस्पिरेटरी लॉसेस मतलब रेस्पिरेशन में अपने फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए जितना उन्होंने मतलब रेस्पिरेटरी लॉस मतलब वो एनर्जी उनकी वेस्ट हो गई। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से वो रेस्पिरेटरी लॉसेस आप माइनस कर दीजिए, तो जो बचेगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और कंज्यूमर्स के लिए वही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगी। तो ये आपको याद रखना है, और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आता है। नाउ व्हाट इज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स। प्राइमरी प्रोडक्शन था जो ऑर्गेनिक मैटर प्लांट्स ने प्रोड्यूस किया एक एरिया में एट अ पर्टिकुलर टाइम, और जितना ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर्स ने फॉर्म किया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरीज इन डिफरेंट इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर इकोसिस्टम में, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अलग होगी, पॉन्ड में अलग होगी, क्यों? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, प्लांट स्पीशीज इनहैबिटिंग एन एरिया, उस एरिया में प्लांट्स कैसे हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कैसे हैं, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी प्लांट की कैसी है, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है, वो कम फोटोसिंथेसिस करता है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हर एरिया की डिफरेंट होगी, क्यों? क्योंकि इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बट डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सर्फेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशंस इज ओनली 55 बिलियन टन्स। मतलब लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा है, ओशंस जबकि वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करते हैं, स्टिल उनकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियन टन्स है। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, डीकम्पोजिशन। तो दिस इज द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी हमने कर लिया, अब दूसरा कॉम्पोनेंट है डीकम्पोजिशन। इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर by decomposers into inorganic substances like carbon dioxide, water and nutrients. So what is decomposition? Simply converting the organic matter into inorganic form. ये एक oxygen requiring process है, और जिस raw material पे decomposers feed करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, we call it detritus. What is detritus? Detritus is a combination of dead plant remains, leaves, bark, flowers, dead remains of animals and the fecal matter. तो जहां से बेटा आपकी डिकम्पोजिशन शुरू होती है, वो जो रॉ मटेरियल है जिसको डिकम्पोज करना होता है, वो क्या होता है, दैट इज डेट्राइटस। अगर हम आगे चलते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डेट्राइटस, स्टेप्स ऑफ डेट्राइटस आर फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ठीक है, और इसको अगर आपने याद रखना है तो इसको याद रखने का मैं हमेशा तरीका बताता हूँ। हूँ मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट, पर मैं कहता हूँ Forever love chemistry, CHM. तो ऐसे आपको पांचों स्टेप्स क्या रहेंगे याद एक सीक्वेंस में। तो forever fragmentation, love, leaching, chemistry, C for catabolism, H for humification and M for mineralization. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा fragmentation. Fragments means टुकड़े होना। तो जब detritivores, detritivores are the organisms जो detritus को simple form में convert करते हैं like earthworm. So when the detritivores break down the detritus into simple particles, that is called fragmentation. What is leaching? जो water soluble inorganic nutrients है, they go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salts. मतलब जब detritivores ने detritus को break down कर दिया, तो जो water soluble inorganic nutrients है वो soil में क्या चले जाएंगे, deep चले जाएंगे, और जब वो deep जाएंगे
तो इवेपोरेशन से कुछ जो सॉल्ट है वो प्रेसिपिटेट होकर ऊपर आ जाएंगे. वट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड लीचिंग. थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म. अब बेटा डेट्राइटस, ऊपर तो डेट्राइटिव उसने ब्रेक डाउन कर दिया पर वो पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होता. डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय सम बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम्स, दैट इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. जब डेट्राइटिव तोड़ रहे हैं वो प्रोसेस कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन. और जो कुछ डेट्राइटस जिसकी अभी डिग्रेडेशन बाकी है उसे बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स वो डिग्रेड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म. एंड दे ऑल अकर साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक. उसके बाद ह्यूमिफिकेशन. जब पूरा डेट्राइटस ब्रेकडाउन हो गया देन देर इज एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस विच इज कॉल्ड ह्यूमस इन द सॉइल. इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है, इस पर कोई भी माइक्रोब ह्यूमस पे एक्ट नहीं कर सकता. एंड सो डिकम्पोजेस वेरी स्लोली, इसलिए बहुत धीरे डिकम्पोज होता है ह्यूमस. बींग कोलाइडल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो बेटा व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस और एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस अ डार्क अमॉर्फस सब्सटेंस इन द सॉइल. और ह्यूमस माइक्रोबियल एक्शन से रेजिस्टेंट होता है इसलिए डिकम्पोज बहुत स्लोली करता है. और कोलाइडल इन नेचर होने की वजह से इसके पास रेजरवायर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे रहते हैं, इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा फर्टिलिटी सॉइल को प्रोवाइड करता है. एंड लास्ट इज मिनरलाइजेशन. इट इज़ द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स. तो एंड में जो ह्यूमस होगा उसमें रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, तो जैसे जैसे वो डिग्रेड होता जाएगा स्लोली जितने भी मिनरल्स वो रिलीज करेगा उस प्रोसेस को बेटा हम क्या कहेंगे? मिनरलाइजेशन. तो दीज आर द फाइव स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन. और ये डायग्राम एक आपकी बुक का बना हुआ है उसमें आप देख रहे हैं, ट्री ग्रोज इन द सॉइल, ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, फिर इसकी डिकम्पोजिशन हो रही है, देन लीव्स पार्शली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर. तो मतलब बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स इसको लिटर बना रहे हैं, अर्थवॉर्म्स भी इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं और फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो फिर से इसकी फर्टिलिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देर आर टू फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि डिकम्पोजिशन कैसी होगी. एक होती है केमिकल कम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस और एक केमिकल फैक्टर्स. सपोज कीजिए जो डेट्राइटस है इट इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, तो उसकी डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होगी. और अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर है तो उसकी जो डिकम्पोजिशन है वो बहुत क्विक होगी. तो विच आर द फैक्टर्स दैट डिसाइड कि डिकम्पोजिशन कैसी होगी? एक तो केमिकल कम्पोजिशन, अगर लिग्निन और काइटिन है तो डिकम्पोजिशन होगी स्लो, अगर नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स हैं तो डिकम्पोजिशन विल बी क्विकर. नाउ क्लाइमेटिक फैक्टर्स. क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हमारे पास है टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर. अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट होगा तो डिकम्पोजिशन ज़्यादा होगी. अगर लो टेम्परेचर होगा और एनारोबियोसिस मतलब एनारोबिक कंडीशंस होगी इट विल इनहिबिट डिकम्पोजिशन. मतलब वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर फेवर्स एंड लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशंस दे विल इनहिबिट डिकम्पोजिशन. नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द थर्ड कंपोनेंट, एनर्जी फ्लो. प्रोडक्टिविटी होगी, डिकम्पोजिशन होगी, अब एनर्जी फ्लो कैसे होगा? सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम्स. ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन 50% से कम, दैट इज पार, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, मतलब सन की जितनी रेडिएशन है उसमें लेस देन 50% ही है जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है. प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया दे फिक्स सोलर रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड. अब लेस देन 50% जो सन की रेडिएशन है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, उसमें से प्लांट्स सिर्फ कितनी यूज करते हैं? 2-10%. और यही 2-10% सोलर रेडिएशन जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं इसी पे सारी अर्थ सस्टेन कर रही है इंक्लूडिंग अस. हम भी तभी जी पा रहे हैं क्योंकि ये 2-10% जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है वो प्लांट्स यूटिलाइज करके खाना बनाते हैं और उसके ऊपर ही हेटरोट्रॉफ्स और बाकी सब डिपेंडेंट हैं. इकोसिस्टम्स ओबे द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. दे नीड अ कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स. इट हेल्प्स टू काउंटरएक्ट द एंट्रोपी. सो दिस इज नॉट इन द सिलेबस, ये आप छोड़ भी सकते हैं. अब ये तो आपको सबको पता ही है, प्रोड्यूसर्स दे आर ऑर्गेनिजम्स दैट सिंथेसाइज फूड. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर्स आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स. एक्वेटिक इकोसिस्टम में, ये टेरेस्ट्रियल की बात कर रहा हूँ, लैंड पे हर्ब्स और वुडी प्लांट्स. पानी में फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी और हायर प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर्स इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज. कंज्यूमर्स विच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. प्राइमरी कंज्यूमर्स में आते हैं हर्बीवोर्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स एंड मोलस्क्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोर्स जो हर्बीवोर को फीड करते हैं लाइक फ्रॉग, फॉक्स और मैन.
टर्शियरी कंज्यूमर्स आर द सेकेंडरी कार्निवोर्स विच फीड ऑन प्राइमरी कार्निवोर्स लाइक टाइगर एंड लाइन। तो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और जो जो इम्पॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। तो द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड अ फूड चेन, या हु ईट्स होम इज कॉल्ड अ फूड चेन। देर आर टू टाइप्स ऑफ फूड चेन्स, वन इज ग्रेजिंग फूड चेन एंड वन इज डेट्राइटस फूड चेन। सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेजिंग फूड चेन की। व्हेन अ प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन लिविंग प्लांट्स लाइक गोट ने ग्रास को खाया और गोट को मैन ने खाया, सो दिस इज ग्रेजिंग फूड चेन। व्हाट इज डेट्राइटस फूड चेन? व्हेन प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया डेट्राइटस क्या है, जो भी वेस्ट है लीव्स का, एनिमल्स का, फीकल मैटर, वो सारा डेट्राइटस है। तो डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डीएफसी। तो ये देखिए, ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा, ग्रेजिंग फूड चेन, लीव्स को कैटरपिलर ने खाया, उसको एक बर्ड ने खा लिया, अब डेड लीव्स को वुडलाउस ने खाया, वुडलाउस को ब्लैक बर्ड ने खाया, ये डेट्राइटस फूड चेन है। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तब डेट्राइटस फूड चेन शुरू होती है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से याद करने वाली चीज है। नाउ डेट्राइटस इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स व्हिच आर एब्जॉर्ब्ड बाय देम, दस दे गेट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। तो बेटा होता क्या है, डेट्राइटस में आपको पता है लीव्स, फीकल मैटर एंड ऑल होता है, फंजाई और बैक्टीरिया डीकम्पोजर्स उसके ऊपर फीड करते हैं, और कैसे फीड करते हैं, वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं जो डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट, और इससे क्या होता है, उनको क्या मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। अब दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी और विच इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्वेटिक इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो, और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोस थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन। तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्वेटिक में ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा चलती है, और टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेट्राइटस फूड चेन की वजह से एनर्जी ज्यादा होती है, और जो डेट्राइटस फूड चेन है इट मे बी कनेक्टेड विद जीएफसी एट सम लेवल्स, और कई जगह पे डीएफसी और जीएफसी आपस में रिलेट करते हैं। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्यों मेजर सोर्स है और डेट्राइटस फूड चेन टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम पे क्यों है। क्योंकि बेटा देखो, जो डेट्राइटस है या जो वेस्ट है वो अर्थ पे बहुत ज्यादा इकट्ठा होता है, उसको जब कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन के बाद ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल को मिलते हैं, तभी वो प्लांट ग्रो करेगा। तो डेट्राइटस को कन्वर्ट करने से ही प्लांट ग्रो करेगा, इसलिए वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में। ये आंसर ध्यान से सुन लीजिएगा मेरा, और यही पेपर में लिख के आएंगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। और जो ग्रेजिंग फूड चेन है आपका वो एक्वेटिक में क्यों है, क्योंकि एक्वेटिक में डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है और ज़्यादा नहीं होती, तो इसी वजह से वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन, जितने प्लांट ज़्यादा ग्रो करेंगे बाद में जाके डिकम्पोजिशन होती है, तो इसलिए वहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। एंड हाउ आर जीएफसी एंड डीएफसी रिलेटेड टू ईच अदर? सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ डेट्राइटस फूड चेन आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स। अब जो डेट्राइटस फूड चेन, जब कोई मर जाता है तो ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म का वो खाना बन जाता है, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो जब कोई मर गया, डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिज्म से, तो जो डेड हुआ वो प्रे है, वो खाना है किसका, ग्रेजिंग फूड चेन के ऑर्गेनिज्म का। एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रो, ह्यूमन, दे आर ओमनिवोर्स, सच इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन्स आर कॉल्ड फूड वेब। व्हेन मेनी फूड चेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर दैट इज नोन एज अ फूड वेब। तो ये बेटा आपको ध्यान रखना है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड विच इज द मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक एंड टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको पता ही है, अ स्पेसिफिक प्लेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। ये एवरी लेवल ऑफ फूड चेन इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। तो ये आप देख सकते हैं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ये पॉन्ड इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं, ज़ू प्लैंकटॉन्स उन्हें खाने वाले बर्ड्स, ठीक है, और ये टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में ही दिया हुआ है आपको। सो ये भी एनर्जी फ्लो के बारे में आपको बताया हुआ है सारा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स। तो बेटा आपको पता ही है, 10% एनर्जी लॉ 10th में आप लोग पढ़ के आते हैं कि एक लेवल ऑफ फूड चेन से दूसरे लेवल तक सिर्फ 10% एनर्जी ही पास होती है। सो दिस लॉ इज नोन एज 10% एनर्जी लॉ, एंड एनर्जी डिक्रीजेज एट एवरी लेवल ऑफ द फूड चेन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज इट डेड, इट बिकम्स डेड, इट इज एन एनर्जी सोर्स फॉर द डिकम्पोजर्स। Organisms at each trophic level depend on those at the lower trophic levels for energy. Now this is something very very important. What is a standing crop? तो जो मैं कह रहा हूँ important, मतलब वही definitions paper में important है ज़्यादा।
अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर इन अ ट्रॉफिक लेवल एट अ गिवन टाइम, जितना ऑर्गेनिक मैटर एक गिवन ट्रॉफिक लेवल पे एक टाइम पे प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द स्टैंडिंग क्रॉप. इट इज मेजर्ड एज अ बायोमास और नंबर इन अ यूनिट एरिया. बायोमास इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट. ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ द बॉडी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट. And the number of trophic levels in GMC is restricted as it follows 10% law. बेटा देखो एक food chain में सिर्फ 3 या 4 trophic levels हो सकती हैं, उससे ज़्यादा नहीं या 5 तक. क्यों? क्योंकि energy flow ऊपर ऊपर जाते जाते decrease हो रहा है, तो एक time पे आके energy flow बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो last trophic level को कुछ मिलेगा ही नहीं. इसी वजह से energy flow जो है वो कम होने की वजह से we can have only 4 to 5 trophic levels in a food chain. अब बेटा हम बात करेंगे the next thing. That is, we have another part, ecological pyramids. The last topic of the chapter, that is ecological pyramids. तो pyramids के बारे में मैं बात करूँगा. सबसे पहले, what are ecological pyramids? When a food chain is represented in the form of a pyramid, it is called ecological pyramid. और 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से अगर आने वाला है ये MCQ, तो इस टॉपिक में से 110% श्योर हूँ मैं कि आएगा ही आएगा. ये pyramids वाला टॉपिक बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसमें से क्वेश्चन जरूर आने वाला है इस साल. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इज इकोलॉजिकल पिरामिड. बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट्स द प्रोड्यूसर्स, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड ऑल. देर आर 3 पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ नंबर की पहले मैं बात करूंगा. तो बेटा ये नंबर पे आप देख रहे हैं, और बेटा ये नहीं लिखोगे और ये नहीं लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला सिर्फ पिरामिड बनाने का. तो सबसे पहले नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिखना है आपको. इतने इंडिविजुअल्स मतलब जो बेसिक लेवल है, पिरामिड हमेशा ऐसे बनता है तो बेसिक लेवल पे यहाँ पे नीचे ज़्यादा होंगे, यहाँ आते आते वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा नैरो हो जाएगा. तो ये अब नंबर्स देख रहे हैं, नंबर भी कम हो रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ तक आते आते पिरामिड जो हो गया वो क्या हो गया, नैरो हो गया. अब मैं बात करूँगा पिरामिड ऑफ बायोमास की. तो पिरामिड ऑफ बायोमास शोज अ शार्प डिक्रीज इन बायोमास एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स. तो ये मैं बात करूंगा. सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे जो बायोमास है वो ऊपर जाते जाते डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे आपको ड्राई वेट लिखना है और जो जो मैं बता रहा हूँ वो लिख के आना है जब वो पिरामिड बनाएंगे. तो ड्राई वेट पहले 809 था किलोग्राम पर मीटर क्यूब, फिर 37 हो गया, फिर 11, फिर 1.5. मतलब ऊपर जाते जाते जो ड्राई वेट है बायोमास इन किलोग्राम पर मीटर क्यूब वो क्या होता जा रहा है, कम. And this is called upright pyramid. Upright मतलब बिल्कुल सीधा पिरामिड ये बना है. But pyramid of biomass upright के अलावा वो inverted भी हो सकता है. Inverted pyramid of biomass is found in aquatic ecosystems. तो ये ध्यान से समझिएगा, inverted ये कैसे हो गया. Small standing crop of phytoplanktons, it supports large standing crop of zooplanktons. तो यहाँ पे आप देखिए प्राइमरी कंज्यूमर्स ज़्यादा है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम है. मतलब फाइटोप्लैंक्टन्स कम है पर उन्हें खाने वाले क्या है, ज़्यादा. तो ये जो पिरामिड हो जाता है ये क्या हो जाता है, इन्वर्टेड. इन्वर्टेड का मतलब जब जो बेस है वो कम हो, ऊपर जाते जाते वो बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास. और इसकी एग्जांपल आप यही दे सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो कम है एज कम्पेयर टू द ज़ू प्लैंक्टन्स दैट आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. सो दैट इज़ वाई द पिरामिड इज इन्वर्टेड. अब जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट होता है, वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि एनर्जी फ्लो हमेशा 10% लॉ को ओबे करता है. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ एनर्जी इन द सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एनर्जी पहले 10,000 जूल थी, फिर 1,000 हुई, फिर 100, फिर 10. तो ये आप देख रहे हैं जो पिरामिड है वो क्या है, बिल्कुल अपराइट है. तो दीज आर द इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट. अब जो पिरामिड ऑफ नंबर है बेटा, पिरामिड ऑफ नंबर भी इन्वर्टेड हो सकता है. कैसे हो सकता है? अब सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ कि एक फॉरेस्ट में 4 पेड़ हैं, ठीक है, तो जो नंबर है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का वो 4 है, पर उन पर रहने वाले इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इंसेक्ट्स का नंबर ज़्यादा हो गया, तो उस केस में जो पिरामिड बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा. मतलब अगर मैं नीचे देखूँ प्लांट्स हैं कम, पर यहाँ आके वो क्या हो गया, ज़्यादा, तो फिर वो पिरामिड क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड. तो नंबर और बायोमास दोनों का इन्वर्टेड हो सकता है और अपराइट भी, पर एनर्जी का हमेशा अपराइट रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आने वाला है. और पिरामिड में आपको स्टैटिस्टिक्स मतलब नंबर भी लिखने हैं और क्या क्या आप प्राइमरी प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर वो भी लिख के आना है. अब लास्ट इज इकोलॉजिकल पिरामिड्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं. एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास और नंबर हैज टू इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिजम्स. पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स कई बार सारे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड नहीं करते, डिकम्पोजर्स को छोड़ देते हैं, तो दिस इज द ड्रॉबैक. अ ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीशीज एज सच.
अ गिवन स्पीशीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। तो हो सकता है कि एक जो पिरामिड है उसमें वो बता रहे हैं कि एक स्पीशीज सिर्फ एक ही लेवल ऑक्यूपाई करता है, पर हो सकता है वो एक से ज्यादा लेवल भी ऑक्यूपाई करता हो। तो इस वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड की ये क्या आ जाती है, डिसएडवांटेज। स्पैरो जब वो सीड फ्रूट या पीस खा रही है तब वो प्राइमरी कंज्यूमर है, जब वो इंसेक्ट्स या वॉर्म्स खा रही है तब वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो मतलब हमने ट्रॉफिक लेवल पे उसकी पोजीशन ही गलत लिखी है। तो इस वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड्स कई जगह गलत भी हो जाते हैं। फिर इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन द कार्निवोर्स। ये आपको पता ही है। और ये पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड दिखा रहे हैं इंसेक्ट फीडिंग ऑन अ बिग ट्री। पिरामिड ऑफ बायोमास भी मैंने आपको बताया कि इन्वर्टेड हो सकता है। और ये लिमिटेशंस है आपकी, ये सीधी तीन लिमिटेशंस, तीन नंबर का क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। इट डज नॉट अकोमोडेट अ फूड वेब, इंटरेक्शन ऑफ फूड चेन्स इज फूड वेब। तो ये सिर्फ फूड चेन को इंक्लूड करता है पिरामिड, फूड वेब को इंक्लूड नहीं करता, पर फूड चेन्स इतनी सिंपल भी नहीं होती। एंड लास्ट, ये डिकम्पोजर्स को इकोलॉजिकल पिरामिड्स में इंक्लूड ही नहीं किया जाता। सैप्रोफाइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द इकोलॉजिकल पिरामिड्स इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। तो बेटा यही आपका चैप्टर जो था यहीं पे ख़त्म होता है। तो इसी के साथ ही मेरी प्रेजेंटेशन भी ख़त्म होती है। तो हम जल्दी ही इस वीडियो को हमने ख़त्म कर लिया है, और इस वीडियो की जो रिविजन वर्कशीट है वो अब मैं डाल दूंगा जल्दी। तो आप लोग तैयार रहिएगा रिविजन वर्कशीट के लिए। तो ये वाली जो प्रेजेंटेशन है अब मैं एंड करने वाला हूँ, ठीक है। और आप अपने लाइक्स और कमेंट्स मेरे को देते रहिएगा, और जितने लाइक्स एंड कमेंट्स ज़्यादा देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास से सिंप्लीफाइड वे में बायोलॉजी पहुँच जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।